पहले का रूम है हमारा, दैट्स नाउ। अब हम रेनोवेशन करने के बाद अब आपको तब बताएंगे इसका रूम का क्या हाल होता है। ये बेचारे बच्चे लगे हुए हैं काम करने, और ये मैं हूँ। ये मुझे टास्क मिला है इस रूम को रेनोवेट करने का। अगर आप भी रेनोवेट करवाना चाहते हैं प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, इट्स अ मच ताई। हम रूम की सेटिंग चेंज करने लगे हैं, ठीक है। ये हमने एम्प्टी किया रूम, अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके अब हम इसकी सेटिंग चेंज करें। इसको मैं हेल्प करूँ आपकी। ये हमें एक टास्क मिला था रेनोवेट करने का रूम, और नाउ पहले आपने देखा था इसका रूम का हाल, और आप देखें हम बीच में ला नहीं सकते शहजादी को, मैंने हम शहजादी को ले आते। ये ड्रेसिंग गीजर था जो हमने रिमूव करके जस्ट इस साइड को किया है, हमने जस्ट रिमूव करके इस साइड को किया, ठीक है। टास्क हमारा ये था। देन हम नेक्स्ट रूम देखें अब कब करते हैं रेनोवेट। अब चेक करें, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग से आपका घर अगर वेल एंड गुड हो जाता तो क्या बात है कि नहीं है। आई एम मिस समझ पाए। ये देखिए ये रूम की हमने थोड़ी सी डेकोरेशन चेंज की है, हमने ड्रेसिंग को इधर कर दिया है, ये उधर था जस्ट। स्पेस देखें कितनी क्लियर हो गई है, आपके गेस्ट के लिए स्पेस बन गई है, रूम नीट एंड क्लीन हो गया है। पंखे साफ हमने करवाए इनसे कह के, और साथ हमने इनका मतलब थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो रूम बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया। मतलब बहुत तो ज़्यादा नहीं, बट अभी तक हमने इनसे सजेस्ट किया कि ये वॉलपेपर लगवाएं, तो वॉलपेपर लग जाएगा तो फिर देन बेस्ट हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी चेंजिंग करने से अगर आपका रूम बेस्ट होता है, क्योंकि आपने लाइफ में मतलब सोना जब होता है तो सुकून से सोना होता है, तो सुकून होना चाहिए कमरे में। जब आप अपने कमरे में आके सोएं तो सुकून से सो सके ना, मतलब पूरे दिन की थकावट आपको अपना रूम देखते ही गायब हो जाए। जस्ट दैट्स इट।